हेलो एंड वेलकम टू मैकेनिकल एकेडमी चलिए हम आज की इस वीडियो में देखेंगे जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे और कहां से करें फॉर सी एग्जामिनेशन तो उससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपके लिए एक प्यारा सा कोट है विथ ऑर्डनरी टैलेंट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परसिवरेंस ऑल थिंग्स आर अटेनेबल यानी कि साधारण प्रतिभा और असाधारण लगन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है सो लेट्स बी बिगिन सबसे पहले देखिए जनरल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस होता क्या है इसको लेकर के ही स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि जनरल अवेयरनेस में हमको पढ़ना क्या क्या होता है तो देखिए जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत ये चारों चीज़ें आती हैं कौन कौन सी जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज़ जनरल साइंस एंड करेंट अफेयर्स अब ये जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शन है ना ये इनमें क्वेश्चन का जो नेचर होता है जो आपके जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है ये वैसा नहीं होता जैसे यूपीएससी के एक्सपेरेंट्स जनरल स्टडीज़ की तैयारी करते हैं यहाँ पर बस आपको फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा डीप में घुस के नहीं और जो जनरल नॉलेज है ये जनरल नॉलेज एक्चुअली इन तीनों का मिला जुला रूप होता है किन का किन का जनरल स्टडीज़ जनरल साइंस एंड करेंट अफेयर इन तीनों को मिला करके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बनाए जाते हैं ये हो सकता है कि आपके करंट अफेयर से हों हो सकता है जनरल स्टडीज़ से कोई फैक्ट बेसिस क्वेश्चन हो या फिर साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के तौर पे पूछा जा सकता है जैसे कि मान लीजिए आपको Uh, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि uh, अभी का प्रेजेंट प्रेजेंटली हमारा हेल्थ मिनिस्टर कौन है ठीक है अभी हमारा कैबिनेट रिसफल हुआ है आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है कैबिनेट रिसफल आप इसको पढ़िए आपके एग्ज़ाम पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो आपको आंसर पता ही होगा कि प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर हमारा है कौन वो है मनसुख मांडवे जी ठीक है तो इससे रिलेटेड आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का सबसे पहला हेल्थ मिनिस्टर कौन था ठीक है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो जो प्रेजेंटली अफेयर हुए होते हैं करंट में जो अफेयर हुए हैं उनका पास्ट से क्या रिलेशन है ठीक है ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो उन सबको ध्यान पे रख के आप पढ़िए तो जनरल नॉलेज जो होता है वो इन तीनों का मिला जुला रूप होता है जनरल स्टडीज़ जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स नेक्स्ट देखिए करेंट अफेयर्स में लेकर के टॉपिक को लेकर के भी काफ़ी डाउट था बच्चों में कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ें करंट अफेयर में इसका तो टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है पढ़ने बैठेंगे तो करंट अफेयर को ही पढ़ते पढ़ते एग्जाम निकल जाएगा बट देखिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब टॉपिक को मैं आपके लिए यहाँ पर नोट कर दिया हूँ देखिए कौन कौन से हैं बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल वर्ल्ड अफेयर्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर्सन एंड प्लेस इन न्यूज स्पोर्ट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स इकोनॉमी डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैबिनेट मिनिस्टर री एंड कोविड नाइन्टीन ये वैसे ये वो टॉपिक है जिनसे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है जहाँ पे देखिए तो बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से लगभग समय क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही ठीक वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पूछा जाता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है अवार्ड्स एंड ऑनर बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैबिनेट मिनिस्टर रीशफल कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड क्वेश्चंस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो इनसे आप पढ़िए बुक से हो या फिर यूट्यूब से हो जहाँ से भी हो बट इन इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को ट्राई करिए पढ़ने का नेक्स्ट देखिए जनरल साइंस जनरल साइंस के अंतर्गत ये तीनों टॉपिक आते हैं कौन कौन से फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो ये तीनों को मिला करके हम जो बोलते हैं इसको बोलते हैं जनरल साइंस ये भी आपके जनरल अवेयरनेस के ही अंदर आता है नेक्स्ट जनरल स्टडीज़ जो मैंने आपको पहले बताया बट हाँ नो डाउट इन टॉपिक से आपको डीप में जाकर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बस फैक्ट पे बेसिस क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो इनमें आता कौन कौन से टॉपिक है जनरल स्टडीज़ में ये टॉपिक्स हैं हिस्ट्री इकोनॉमी पॉलिटी एंड जियोग्राफी मेनली जनरल स्टडीज़ में ये चार टॉपिक ही होते हैं बट इनके अलावा भी दो टॉपिक और हैं वो हैं जनरल सॉरी स्टैटिक जी एंड मिसेलेनियस स्टैटिक जी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ठीक है स्टैटिक जी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसको भी आप कवर करिए एंड मिसेलेनियस पार्ट आपको हर एक बुक में ये मिल जाएगा मिसेलेनियस पार्ट जैसे कि लॉन्गेस्ट बिगेस्ट स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड इन द इंडिया ठीक है तो उस टाइप की सब चीज़ें मिसलेनियस के अंतर्गत आती हैं वो सब चीज़ें देखिए आर्ट्स एंड कल्चर हैं तो ऐसी चीज़ों को भी आप सारी के सारी स्टडी करेंगे हो सक आप चा, आप चाहें तो आप यूट्यूब से पढ़िए या आप चाहें तो आप किसी अच्छी बुक से पढ़िए बट इन सारे टॉपिक को आपको कवर करना है देखिए टोटल टेन मार्क्स का क्वेश्चन आपको सी में पूछा जाएगा ठीक है दिन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है करेंट अफेयर्स ठीक है एंड स्टैटिक पार्ट स्टैटिक पार्ट इसके साथ में जितने भी टॉपिक हैं बाकी के टॉपिक तो आप मान के चलिए करेंट अफेयर स्टैटिक से मिला करके आपके चार से पाँच क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाते हैं ठीक है ये बस एक जनरल गाइडलाइन है बाकी कवर आपको सारा ही टॉपिक करना है देखिए अब अब अगर हम बुक की बुक की बात करें कि पढ़ना कहाँ से चाहिए कौन सा सही मटेरियल है पढ़ने के लिए तो एक ये बुक है मनोहर पांडे की बहुत ही अच्छी बुक है पूरे जी के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है इसमें आपको करंट अफेयर भी मिलेगा और जीके के सारे टॉपिक मिलेंगे जो मैंने अभी आपको बताया ये सारे टॉपिक इसमें हैं इसके एक पतली वाली बुक भी आती है और एक थोड़ी सी मोटी बुक आती है तो आप आप, आप जिसमें कंफर्टेबल महसूस करें आप इन दोनों में से किसी एक बुक को परचेज़ करिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है बट ये बहुत अच्छी बुक है सेकेंड अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहें तो आपका लूसेंट है लूसेंट से भी आप जीके की तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको मिसिलेनियस पार्ट स्टैटिक पार्ट और नो डाउट जीके का जो भी पार्ट है ना कि जो जनरल स्टडीज़ के पोर्शन है उसके भी डिटेल में आपको थ्योरी मिल जाएंगी आप और बेटर क्लियरिटी के साथ पढ़ पाएंगे ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल है दोनों आपको मिल जाएगा थर्ड वन अगर आप और ज़्यादा डीप में जा करके करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो नो डाउट प्रतियोगिता दर्पण हमेशा से अच्छी बुक रही है आप चाहेंगे तो ये भी परचेस कर सकते हैं और इससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं और ऐसा ही एक जी और जी जनरल अवेयरनेस के लिए एक और अच्छी बुक है घटना चक्र की तो आप चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं फिर कुछ बच्चों का डाउट था कि सर करंट अफेयर कितने दिनों का पढ़ना चाहिए कहाँ तक का पढ़ना चाहिए तो देखिए सिक्स मंथ इज़ इनफ सिक्स मंथ इज़ इनफ़ फ्रॉम अक्टूबर से आप स्टार्ट करिए और पिछले सारे सिक्स मंथ तक का पढ़िए ठीक है अक्टूबर से लेकर के पिछले सिक्स मंथ तक का आप जनरल सॉरी करेंट अफेयर की तैयारी आप करिए वहाँ तक करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है और देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप यूट्यूब से किसी टीचर से पढ़ें तो दो टीचर बहुत बेस्ट टीचर है करेंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पार्ट और बाकी जो भी जी के पार्ट है उसके लिए वरुण अवस्थी सर वरुण अवस्थी सर के लेक्चर आप देखिए ये वास्तव में सुल्तान है बेताज बादशाह इस दुनिया के तो आप इनसे पढ़िए आपको नो no डाउट बहुत फ़ायदा मिलेगा इनका सारा एम डिटेलिंग डिलीवरी इनका पढ़ाने का तरीका हर एक चीज़ माइंड ब्लोइंग है बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं तो आप इनसे पढ़ सकते हैं वरुण अवस्थी सर ठीक है आप टाइप करिए वरुण अवस्थी सर ये आपको ईजीली वहाँ मिल जाएंगे और एक और सर है जिनसे आपको आ, अपने करेंट अफेयर को या फिर फैक्ट को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और ये बहुत अच्छा अप्रोच देते हैं किसी चीज़ को लिंक करने का समझने का ये हैं प्रशांत धवन सर ये नो no डाउट ये दोनों सर ही अन पढ़ाते हैं बट इनके फ्री लेक्चर्स यूट्यूब में अवेलेबल हैं प्रशांत धवन सर के लेक्चर्स भी आप ज़रूर देखिए बहुत अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को डील करते हैं ये नेशनल इंटरनेशनल तो प्रशांत धवन सर की वीडियो आप देखिए और आपकी स्टडी पे अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा ऑनलाइन स्टडी ही करूं तो उसके लिए वरुण अवस्थ्य सर इज़ तो द बेस्ट टीचर इन आ, इंटरनेट ठीक आप इनसे पढ़ सकते हैं हर एक टॉपिक जो आप चाहें जी का हर एक टॉपिक इन्होंने कवर किया हुआ है सारे एम हैं आप ज़रूर इनसे पढ़िए तो ठीक है बाकी वीडियोज़ के साथ मैं आपसे अगले वीडियो मिलूँगा तब तक के लिए पढ़ते रहिए खुश रहिए थैंक यू सो मच